I welcome all of you on my YouTube channel once again. Friends, what if you are asked to find the answers for these two questions which are appearing on your screen in a span of just 5 seconds? Yes, friends, you heard it right, in a span of just 5 seconds only. For better understanding, I would read both the questions for you. So, yahan pe pahla question kya bataya ja raha hai? If A is equal to some matrix which is 3, 6, 4, 5, then find the value of A square minus 3A. अगर आप इसको traditional method से करने जाएं तो आपको पहले A square निकालना पड़ेगा, फिर 3A निकालना पड़ेगा, उसके बाद इन दोनों को subtract करना पड़ेगा, जो कि minimum आपको 3 से 4 मिनट तो ले ही लेगा. और second question क्या बोल रहा है, if A is equal to matrix X 2, 3, 0, then find the value of x. यहाँ पे एक condition दिया गया है, if a square is equal to 3i. अगर आप इस दो question का answer just 2 second, 5 second में निकाल पा रहे हैं, तो आप अभी video को pause करें, answer निकालें और comment section में जाके comment करें इसके answers, और ये भी mention करें कि आपको कितना time लगा solve करने में. मैं आप सभी की answers पे interpret करूँगा और उस पे लाइक भी करूंगा, और टॉप आंसर्स विल बी पिंड बाय मी. सो नाउ वी आर मूविंग ओवर टू द शॉर्टकट इन विच यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 5 सेकंड. सो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू सीरीज कॉल्ड हैशटैग शॉर्टकट. और इस सीरीज में हम अभी तक कई सारे चैप्टर के शॉर्टकट कवर कर चुके हैं, जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स. सो अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी जैसे कि जेई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले एग्जाम की नोटिफिकेशन, उसके प्रिपरेशन, उसके रिजल्ट, सभी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे. अब हम बढ़ेंगे अपने ट्रिक की ओर. अब ट्रिक क्या कहता है, इसके लिए आपको एक फार्मूला अपने माइंड में याद रखना होगा. रिमेंबर दिस फार्मूला, ए ट्रिक. यही आपका ट्रिक है, यही आपका ब्रह्मास्त्र है. ट्रिक क्या बता रहा है, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ द मेन डायगोनल इनटू ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई इज इक्वल टू जीरो. ये आपको याद रखना है. और ये ट्रिक आप कब अप्लाई कर सकते हैं, दिस ट्रिक इज अप्लीकेबल ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स ओनली. और क्वेश्चन एग्जाम में भी 2x2 मैट्रिक्स का ही पूछते हैं, 3x3 कभी कभी पूछते हैं, बट दिस 2x2 मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चंस आर मोस्टली रिपीटेड इन एग्जाम्स लाइक एनडीए, एयरफोर्स एंड नेवी. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न सुपर शॉर्टकट. आप उसके बाद आपको दिल से मजा आ जाएगा. अब देखिए, इस ट्रिक को हम एक एग्जाम्पल के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग में समझेंगे. तो यहाँ पे गिवन ए दिया गया है 0, 3, 2x, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये भी दिया गया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6i. देन यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x का मान कितना होगा. आपको ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6i. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रिक लिख देना है, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल इनटू ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई इज इक्वल टू जीरो. अब आप जैसे आप इस फॉर्मूले को लिख रहे हो, वैसे वैसे उस तरह से सब्स्टिट्यूट करो ए स्क्वायर. तो यहाँ पे ए स्क्वायर को एज इट इज ए स्क्वायर लिखो, माइनस सम ऑफ डायगोनल. सम ऑफ डायगोनल का मतलब होता है सम ऑफ द मेन डायगोनल. मेन डायगोनल कौन है, ये वाला है. सो 0 + x इट विल बिकम 0 + x इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, 0 × x 0 माइनस 3 × 2 6. सो इट विल बिकम -6. सो हियर इट विल बिकम -6i इज इक्वल टू 0. अब देखिए, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें, इफ़ यू सॉल्व दिस फर्दर, यू विल गेट आंसर एज ए स्क्वायर माइनस 0 + x x इंटू ए एक्स ए माइनस 6i इज इक्वल टू 0. एंड इफ यू स्टिल सॉल्व इट फर्दर, एंड इफ यू सॉल्व इट फर्दर, ए स्क्वायर माइनस एक्स ए
अब यहाँ पे 6i के बदले ए स्क्वायर ने हमने लिख दिया। अब कैसे लिखा, अब आप क्वेश्चन के तरफ जाएं, यहाँ पे क्या दिया गया है रिलेशन, ए स्क्वायर इक्वल टू 6i, मतलब जहाँ जहाँ भी ए स्क्वायर है वहाँ पे आप 6i रख दें, और जहाँ जहाँ 6i है वहाँ पे आप ए स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो सेम हम यहाँ पर भी कर देंगे, यहाँ पे हमें 6i दिखाई दिया, हम ए स्क्वायर लिख देंगे, सो इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस ए स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर, सो दोनों कैंसल एंड इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो ट्रिक ही है, तो माइनस एक्स ए इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इस x में क्या आएगा, इस x में क्या आएगा, इस x में हमें जीरो आएगा, तब ये वाला डिटर्मिनेंट और ये वाला वैल्यू साइड सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप इस ट्रिक को नॉर्मल मेथड से करके चेक कर लें। अभी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक एग्जांपल आपके सामने मैं और रख रहा हूँ। यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन दैट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 5 4 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3। है यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3 है। अब हम सेम वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, वो ट्रिक क्या बोलता है, तो ट्रिक है ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू जीरो। अब हम सेम चीज अप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर को एज इट इज ए स्क्वायर लिख दें माइनस सम ऑफ डायगनल, डायगनल का मतलब होता है आप सिर्फ मेन डायगनल लें, तो सम ऑफ डायगनल 2 + 1 इट विल बिकम 3, ए के जगह पे ए रख दें प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें, अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 × 2 माइनस 4 × 5 = 20, सो 2 − 20 विच इज इक्वल टू −18। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस, अब यहाँ पे माइनस 18 है तो यहाँ पे आप −18i इज इक्वल टू 0। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3a। अब देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया, यहाँ तक हमने सॉल्व किया कि ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 18i इज इक्वल टू 0, और हमसे इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस 3a की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगर आप इस −18i को राइट हैंड साइड लेकर चले आए तो क्या इसका वैल्यू आ जाएगा, तो हम सेम चीज़ यहाँ पर भी किए हैं, ए स्क्वायर माइनस 3a, अब वो राइट साइड आ गया तो 18i आ गया। अब यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ए स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू 18i। अब ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, बट आपका आंसर यही है, ए स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू 18i। आई होप सभी लोग इस ट्रिक को समझे होंगे, आपको इस ट्रिक पसंद आया होगा। अगर आप फ्यूचर में इसी तरह के ट्रिक चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें। अब आपके लिए मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस लाया हूँ, ये दो क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हैं ये दोनों आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आप प्लीज़ इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लें, और आप उस ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ दें और जो मैं आज सुपर शॉर्टकट बताया उसके द्वारा कर जस्ट 5 सेकेंड में ही इसका आंसर निकालें, और वीडियो में कमेंट करें, और जो भी टॉप आंसर्स देंगे मैं उनकी कमेंट को पिन कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, जिससे हमारा उत्साह बढ़ा रहता है, और फ्यूचर में मैं इस तरह के कई सारे वीडियो आपके लिए लाऊंगा जिससे एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन अपीयर हो गए हैं, ये भी बताऊंगा कि किस ईयर में अपीयर हुए हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड दिस चैनल। अगर आप NDA 2 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी इस तरह के शॉर्टकट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। जय हिंद।